सिंहासन का संग्राम चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। सुबह से लड़ाई झगड़े, हिंसा, फसाद, दंगा, आगजनी तक की खबर आ गई। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने सड़क के ऊपर ही टायर जला दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आप जान लीजिए, जी मीडिया को भी निशाना बनाया गया है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पश्चिमी मेदिनीपुर के केशपुर में जी मीडिया पर हमला किया गया है। महिला सहयोगी हमारी, उसके ऊपर हमला किया गया, चोट लगी है हमारी महिला सहयोगी को। और ये भी आपको मैं बताऊं कि जो कैमरा पर्सन थे उन्हें भी चोट आई है, जो ड्राइवर थे उन्हें भी चोट लगी। अब तस्वीरें भी आप देख लीजिए किस तरह से हमला हुआ, ये देखिए डंडा और पत्थरबाजी किस तरह से हुई है, ये आप देखिए। ये पत्थर अगर किसी पर लग जाए तो क्या वो जीवित बचेगा? ये जानलेवा हमला जी मीडिया की टीम के ऊपर किया गया है। मैत्री, मेरी सहयोगी जो अपना काम वहां पर कर रही थी, उनके ऊपर हमला किया गया, निशाना उन्हें बनाया गया, उन्हें धमकाया गया। यहां से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाओगी। और कोशिश तो यही की गई थी, जानलेवा हमला किया गया था। ये मैत्री की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मैत्री आपको दिखाई दे रही है। और एक एक करके गिरफ्तारी इन लोगों की जो हुई है, जो गुंडे थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इन तीनों की शक्लों को आप अच्छे से देख लीजिए, इन्होंने ही हमला किया था, इनके साथियों ने हमला किया था, और अब फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल शालिनी, लगातार उन गुंडों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तीन गुंडे हैं जिन्होंने हमारी महिला सहयोगी मैत्री पर हमला किया, लेकिन अभी भी हमारी महिला रिपोर्टर बेखौफ निडर होकर अभी भी रिपोर्टिंग करती हुई नजर आ रही है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये लगातार यही वो गुंडे हैं जो की कोशिश कर रहे थे डराने के लिए, धमकाने के लिए, यहाँ तक की लाठी डंडों के साथ हमला किया गया, लेकिन फिर भी हमारी महिला सहयोगी अभी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जी मीडिया की कार को निशाना बनाया गया है, जी मीडिया की गाड़ी पर हमला हुआ है जिसमें जी मीडिया संवाददाता को चोट भी आई है। और बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि ममता के गुंडों की आखिर बौखलाहट किस बात को लेकर है? चलिए हमारी सहयोगी मैत्री हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुकी है, मैत्री पर हमला हुआ है। मैत्री, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर बौखलाहट किस बात की है, जब जी हिंदुस्तान हर खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा है, हर पोलिंग बूथ पर जाकर हम दर्शकों को सच दिखा रहे हैं, तो ममता के गुंडे आखिर इतने बौखलाए हुए क्यों है मैत्री? देखिए हमें हम जब गए थे, मतलब ये जो परिस्थिति है यहाँ पे केशपुर में, हम अभी हैं केशपुर में, जगह जगह से हमारे पास ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि जगह जगह पे पोलिंग एजेंट बिठाने के लिए नहीं दे रहे हैं वो लोग बीजेपी के पोलिंग एजेंट को। और ऐसा ही खबर हमको मिला था, तो बीजेपी के जो उम्मीदवार है प्रीतीश कुमार, उनके साथ हम लोग निकले थे, और गुणधारा करके एक जगह है वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट है, वहाँ पे उतरते ही हमारे ऊपर मतलब चारों ओर से जैसे जैसे कैंडिडेट के ऊपर हमला हुआ, उसी के साथ साथ हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा हमला हुआ। मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, ये जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग सामने बैठे थे, यहाँ पे एक के बाद एक ईंट, और उनके साथ जो रॉड्स थे और जो शार्प वेपन्स थे, ये सब लेके उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, पूरी गाड़ी को तो तोड़ ही दिया, हमारे ऊपर भी हमला किया, हमारे जो कैमरा पर्सन है उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे लगी है, हाथ पे लगी है, मेरे जो ड्राइवर साहब है उनको हाथ पे चोट लगी है। वो बार बार बोलते रहे कि हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए, और उन्होंने हमें एक बाय एक ही सवाल पूछते गए वो लोग कि आप लोग क्या के बीजेपी के लिए खबर करने के लिए आए हैं आप लोग, हम जब बोल रहे हैं उनको एक के बाद एक कि यहाँ पे हम लोग किसी के लिए खबर करने नहीं, हम सिर्फ सच को बताने के लिए आए हैं, वो लोग बोल रहे थे। जब ही उनको, और वो सारे टीएमसी के लोग थे, सपोर्टर्स थे, बोले कि टीएमसी के अगेंस्ट खबर करेंगे, और बोल के तोड़ते गए, और गाड़ी हमारी तोड़ दिया, हमारी कोई बात नहीं सुनी, और हमारे ऊपर ऐसे अटैक किया। बिल्कुल मैत्री, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार वो एक ही सवाल पूछते गए कि क्या आप लोग बीजेपी के लिए कवरेज करने आए हैं, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी आखिर उनको हक किस बात का किसने दिया कि वो मीडिया पर हमला करेंगे, मीडिया की गाड़ी पर हमला करेंगे, कैमरामैन पर अटैक करेंगे और आपको जख्मी करेंगे, ये अधिकार उन्हें किसने दिया मैत्री? किसी ने नहीं दिया, और इसी यही बात यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें खाई जा रही है। और वहां पे सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं, हमारे साथ साथ पुलिस के ऊपर भी अटैक किया गया, और ऐसे तरह से अटैक किया गया जैसे जैसे कि मानो कि वहां पे मतलब सिर्फ उनका ही राज चलता है।
तो देखिए किस तरीके से हमारी महिला रिपोर्टर मैत्री पर हमला किया गया। आपने सुना होगा कितनी चोट उनको आई है, हमारे कैमरा पर्सन को चोट आई है, हमारे जो ड्राइवर है उनको चोट आई है। और दरअसल आज एक एक सवाल का जवाब ममता बनर्जी को देना होगा। देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा था, कहा था कि अधिकारी परिवार पर निशाना साधते हुए कि सांप को दूध और केला खाल के उन्होंने पाला है, लेकिन आज असलियत पता चल गई कि कौन से सांप हैं जिनको दूध पिला रही है, ये वो लोग हैं जिनको पाल रही है, ये वो गुंडे हैं, ये टीएमसी के गुंडे हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिए किस तरीके से जो हमारी महिला रिपोर्टर है उनके साथ बदतमीजी की गई है, बदसलूकी की गई है, उन पर हमला किया गया, ये जानलेवा अटैक था, उनको जान से मारने की पूरी कोशिश यहां पर की गई। हालांकि जो हमारी रिपोर्टर थी वो इतनी बहादुर थी, आपने देखा किस तरीके से वो बात कर रही है, भाग रही है, बता रही कि क्या उनके साथ हुआ है। इतना ही नहीं, हमारी जो दूसरी सहयोगी लक्ष्मी जो इस वक्त ग्राउंड में है उन पर भी किस तरीके से अटैक करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। और चलिए एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जी मीडिया रिपोर्टर और टीम पर हमले का जो पूरा सच है वो सामने आया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो टीएमसी के गुंडे हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है, क्योंकि जो ये हमला हुआ है उसके बाद तस्वीरें सामने आई, हर कोई डर गया कि आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। ममता बनर्जी महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, एक सूबे की मुखिया खुद महिला है, सीएम है, उसके बावजूद भी रिपोर्टर जो हमारी वहां पर काम कर रही है उन पर हमला किया गया। जरा सोचिए आप, जो महिलाएं गांव में दूर कस्बों में रहती होंगी, जो अपनी आवाज नहीं उठा पाती, उनके साथ क्या होता होगा। क्योंकि ये ममता बनर्जी के दावे, कहती है विकास हुआ है, क्या विकास हाथ में लाठी डंडे ईंट पत्थर लेके चलते हैं क्या, जिस विकास की बात करती हैं, सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती हैं, क्या ये वो सुरक्षा है क्या, ये सवाल खड़े होते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए लगातार मेरी सहयोगी ऋतिका और लवीना ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिका क्या बड़ी खबर है आपके पास। बिल्कुल, देखिए दो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं ये गुंडे हैं जिनकी गुंडागर्दी सामने आई है, और ये जी मीडिया की गाड़ी है जिसे तोड़ा गया, जिसमें तोड़फोड़ मचाई गई, और हमारी सहयोगी महिला सहयोगी जिसके साथ मारपीट की गई जिसे जख्मी कर दिया गया। और एक तस्वीर देखिए जो गुंडे हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। तीन ये जो गुंडे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही गुंडे जिन्होंने जी मीडिया पर हमला किया, जी मीडिया की टीम पर हमला किया, हमारी महिला सहयोगी कैमरा पर्सन और गाड़ी को भी जिन्होंने चकनाचूर कर दिया। तो जी मीडिया की टीम को डराने और धमकाने की खूब कोशिश की गई, यहां तक कि जानलेवा अटैक किया गया, लेकिन इसके बावजूद जी हिंदुस्तान यहां पर रुकने वाला नहीं है, इसी ईमानदारी के साथ हर एक तस्वीर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे कि एक तरफ जी मीडिया की टीम पर हमला हुआ तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज क्या चल रहा है, ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया, ये पाकिस्तानियों का काम है, जय बांग्ला, बांग्ला बंगाल का नहीं बांग्लादेश का नारा है, और एक खास समुदाय के लोगों ने हमला किया है। सीधे सीधे टीएमसी पर आरोप लगाते हुए शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने अपना आज वोट कास्ट किया नंदीग्राम सीट से ही। मैं थोड़ी देर पहले जानकारी मिला, हाँ। साथ साथ मैं पुलिस को और सीएपीएफ को भेजा, हाँ। उसको रेस्क्यू करने के लिए, हाँ। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है, ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है, ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है, ये उस बूथ में कुछ वोट आ रहा है खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है, इसलिए मैं बहुत आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस जंगल राज, जिस गुंडा राज की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, कैसे जी मीडिया की गाड़ी पर हमला किया जाता है। और ममता बनर्जी खुद महिला होने के नाते तमाम सुरक्षा के दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन एक महिला पत्रकार के साथ कैसे कवरेज से रोका जाता है, बदसलूकी की जाती है, और सवाल एक पूछा जाता है कि क्या आप बीजेपी के लिए कवरेज करने आए हैं। देखिए तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि कैसे गाड़ी पर हमला किया गया, जी मीडिया की गाड़ी पर हमला किया गया, जो हाथ में आया लाठी डंडे उसके साथ इस गाड़ी पर हमला किया गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, हमारी महिला सहयोगी, हमारी महिला रिपोर्टर जो वहां पर सच दिखाने गई थी, जो लगातार कवरेज के जरिए दर्शकों तक सच पहुंचा रही थी, उन पर हमला किया गया। और एक और तस्वीर आप देखिए कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट भी जख्मी हुए हैं, उन्हें कैप्चर करने से रोका जा रहा था, उन पर भी हमला किया गया, उनसे तमाम सवाल पूछे गए, और जब वो निडर होकर लगातार अपना काम कर
करते रहे, वो नहीं रुके तो उन पर भी हमला कर दिया गया। तो ये तीन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बंगाल चुनाव में किस तरीके से रक्त रंजित तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले लगातार टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता बीजेपी पर हमला करते थे, लेकिन अब मीडिया को सीधा सीधा टारगेट बनाते हुए जानलेवा हमला किया जा रहा है। जी मीडिया की टीम पर यह हमला किया और पूरी घात लगाकर ये तमाम कार्यकर्ता गुंडे यहां पर बैठे हुए थे, और तीन गुंडे जिन्होंने हमला किया, और ये तस्वीर उस वक्त की है जब हमारी महिला सहयोगी अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ती हुई नजर आई। ड्राइवर और पायलट दोनों ही जख्मी भी हुए हैं, हमारी महिला सहयोगी को भी गंभीर चोट आई है। लेकिन अब जब इन गुंडों की शिनाख्त हुई तो इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो टीम वहां पर मौजूद थी, क्योंकि 22 कंपनियों को नंदीग्राम में तैनात किया गया, उसके साथ ही जो तमाम अलग अलग बूथ है वहां पर भी सुरक्षा बेहद टाइट कर दी गई थी, क्योंकि लगातार ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। और शालिनी का एक बार फिर से रुख करते हैं, और सवाल देखिए शालिनी यही है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कब रहेंगी, और यहां तक कि अब मीडिया को भी टारगेट बनाया जाता है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जब हमला हुआ वो तस्वीर भी आपके सामने, फिर पुलिस ने जब गिरफ्तारी की है वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तीन गुंडे पकड़े गए हैं और लगातार आरोप यही लग रहा है, क्योंकि देखिए इलाके में जहां कहीं भी हमला हो रहा है, ये देखिए लाठी डंडे पत्थर किस तरह से भांजे जा रहे हैं, गाड़ी को बाकायदा तोड़ा गया है। और अब गिरफ्तारी हालांकि इन लोगों की हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग क्या पश्चिम बंगाल की छवि नहीं बदलने देना चाहते हैं? ये धब्बा हमेशा क्या बंगाल के ऊपर लगा ही रहेगा कि चुनाव होगा तो हिंसा होगी और बिना हिंसा के जीत नहीं मिल पाएगी। अपना गोत्र बता करके और तरह तरह से चंडी पाठ करके मंच पर अपनी जात बता करके अगर वोट हासिल हो जाए तो ठीक, वरना इस तरह से डरा धमका करके क्या वोट हासिल किया जाएगा? अच्छा, वोट पोलिंग बूथ के ऊपर अब ममता बनर्जी भी पहुंच गई है, कुछ शायद शिकायत उन्हें भी मिली होगी, उनके लोगों ने भी जरूर उन्हें कहा होगा दीदी यहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ममता बनर्जी का वो जो काफिला निकला था, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वो रुका है जाकर के एक पोलिंग बूथ के ऊपर। ये ममता बनर्जी की गाड़ी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर दीदी बैठी हुई है, आगे की तरफ आपको सफेद कपड़े में अगर आप घर से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएंगी। बाहर ये मीडिया का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है, पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी जी अब पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीरें नंदीग्राम से हम आपको दिखा रहे हैं, 7 बजे सुबह से वोटिंग शुरू हुई और अब ममता बनर्जी 1:30 बजे के बाद एक पोलिंग बूथ के ऊपर पहुंची हैं। क्या कोई रिपोर्ट ममता बनर्जी को भी दी गई थी? क्या उनके समर्थकों ने शिकायत की थी? ये पोलिंग बूथ पर जाने का मतलब क्या है ये भी थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी वोट देने के लिए नहीं आई है। जैसे सुबह हमने आपको शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर दिखाई थी कि वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। ममता बनर्जी का वोट अभी भी भवानीपुर में व्हीलचेयर आती हुई आपको दिखाई दे गई है। मैंने बताया आपको आगे की सीट के ऊपर बैठी हुई है ममता बनर्जी, उन्हीं की एक गाड़ी है, व्हीलचेयर यहां पर पहुंची है, व्हीलचेयर पर बैठ करके ममता बनर्जी अंदर जाएंगी। पैर में अभी चोट है, दीदी चल नहीं पा रही है। पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी पहुंच चुकी है, दो तस्वीरें आपके सामने जब गाड़ी ममता बनर्जी की रुकी है एक पोलिंग बूथ के बाहर, और दूसरी गाड़ी जहां गिरफ्तारी हुई है ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं की, कहा जा रहा है गुंडा नंबर 1, 2, 3 ये जो आप देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जी मीडिया की संवाददाता के ऊपर इन्हीं लोगों ने हमला किया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर इस वक्त पहुंची हुई हैं। मैं लक्ष्मी का भी जरा फटाफट रुख कर लेती हूँ। लक्ष्मी आप अभी कहां पर है? देखिए शालिनी हम अब पहुंच चुके हैं विष्णुपुरा सीट की तरफ, हम पहुंचे हैं विष्णुपुरा सीट में। जब हम बूथ पोलिंग पर पहुंचे तो वहां से भी हमें पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया कि यहां पर अलाउड नहीं है मीडिया, यहां पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। साफ तौर पर कहा, हमने कहा ये गाड़ियां खड़ी है ये किसकी है, मीडिया क्यों नहीं जाएगी? तो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की एंट्री होगी। ये पुलिस वालों ने कहा कि ये बस जो खड़ी हुई है वो टीएमसी के लिए खड़ी हुई है, मीडिया के अंदर एंट्री नहीं है। अब ये बताइए कि आखिर बूथ से मीडिया कवर क्यों नहीं कर सकता है? इससे पहले जब हम पहुंचे थे तो जाहिर है कि वहां पर किस तरीके से हमले का प्लान हम पर हुआ वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। बहुत मुश्किल हो गया वहां से निकलना, हम लोग कैसे गाड़ी में बैठकर आगे बढ़े। और इस वक्त मैं लक्ष्मी लौटती हूँ आपके पास, लेकिन श्वेता अभी कहां पर पहुंची हुई है उनका भी रुख करना जरूरी है। दर्शकों को मैं बता दूं, पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है, पोलिंग बूथ तक पहुंची है। श्वेता आगे की जानकारी आपको देंगी। श्वेता मैं बता दूं, ये बयाल पोलिंग बूथ है नंदीग्राम का 7 नंबर पोलिंग बूथ। मैं नंदी पहुंची है यहाँ पर, जो
लोग हैं उनका आरोप है कि यहाँ पर बीजेपी के ममता बनर्जी पहुंची है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका आरोप है कि यहाँ पर बीजेपी के एजेंट ने छापा मारा है सुबह से। पॉली एजेंट को बैठने नहीं दिया बीजेपी लोगों ने। क्या हुआ, सुबह से वोट नहीं हुआ? नहीं, वोट हो रहा है, छापा हो रहा है। ये इनका आदमी पॉली एजेंट को बैठने नहीं दिया सुबह से, बैठने नहीं दे रहा है। वो लोग डरा रहा है, बोल रहा भाग जाओ नहीं तो मार देंगे, ऐसे बोल के तिरुमल आदमी को जो कैंडिडेट था उसको भेज दिया, पेपर को छीन के फेंक दिया, उसको निकल दिया। सुबह से ही छापा वोट हो रहा है इधर, सुबह से ही। ये आप लोग ये जानकारी दे रहा था इधर, आम सेम से ड्यूटी सुबह से सुबह से हमने दे दिया। यहाँ कर जो सीएम के आर्मी था उस लोगों ने हमको ही घूस से डर रहा था, हमको भाग रहा है। ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से छापा वोट हो रहा हो रही थी, इनको वोट नहीं करने दिया जा रहा था, बीजेपी के एजेंट इनको रोक रहे थे। उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं आता, जब सीएम को ये जानकारी मिली, चूंकि सीएम यही पास में ही थी रेहापारा में, वहां से उनके गाड़ियों का काफिला निकला। जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंची हैं तो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए, खुद वहां पर जा रहे हैं। क्या आखिर इतनी गड़बड़ी? सात नंबर बूथ है, सात नंबर बूथ और कहीं भी बूथ से तरह की शिकायत है क्या? नहीं, अभी यही है। लोग आस पास पर रेहापारा के आस पास के बूथ में गए थे, बूथ नंबर 112 में गए थे, बूथ नंबर 110 में गए थे, वहां पर इस तरह की कहीं कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। लेकिन ये बयाल के बूथ नंबर 7 में इनका कहना है कि यहां पर बीजेपी के एजेंट लोगों को रोक रहे थे। सुबह से हमको रोक रहा था यहां पर, कोई कोई वो मारपीट कर रहा है, वोट नहीं दे रहा है। वो बीजेपी का कैडर, बीजेपी का आदमी हम लोग का एजेंट को नहीं, तृणमूल का एजेंट को बैठने नहीं देता। तो ये केवल 7 नंबर बूथ में प्रॉब्लम आई है कि दूसरी जगह भी आई? नहीं, 7 नंबर में है सिर्फ, और हाँ सिर्फ 7 नंबर बूथ में। प्रत्युष आपके पास मैं लौट रही हूँ, ये जरा तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा दूं दर्शकों को। जी मीडिया की टीम के ऊपर जो हमला हुआ, आप जरा शक्लें देख लीजिए, किस तरह से पत्थरबाजी की गई है, हाथ में बड़े बड़े ईंट पत्थर लेकर के बरसाए गए जी मीडिया की गाड़ी के ऊपर। इस शख्स को आप ध्यान से देख लीजिए, और ये साजिशन, और ऐसा लग रहा है पूरी रणनीति बना करके हमला हुआ है। प्रत्युष एक बार फिर से आपके पास मैं आ रही हूँ, टीएमसी वाले अब ये कह रहे हैं कि उनके पोलिंग एजेंट को अंदर बूथ तक नहीं जाने दिया गया, और ममता बनर्जी वहां पर सब कुछ ठीक ठाक कराने पहुंची है क्या? प्रत्युष कि यहाँ पर टीएमसी की वोटिंग से रोका जा रहा है, इसकी शिकायत इन्होंने की थी, टीएमसी तक पहुंची, इनकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची, पास में मुख्यमंत्री थी, अब वो वहां से खुद यहां पर अपने कॉन्वाय के साथ काफी साथ यहां पर पहुंची है। पूरी मीडिया का जमावड़ा इस वक्त यहां पर है, ममता बनर्जी उस पोलिंग बूथ में जाकर देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए सुबह से तब रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्टिंग होना चाहिए, अगेन काउंटिंग होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, फिर वोट करना पड़ेगा, फिर वोट बात कीजिए, ये नहीं होगा, फिर अलग से फिर वोट होगा। ये यहाँ पर लोगों की नाराजगी है इस बात को लेकर के कि उनको वोट करने से रोका गया, बीजेपी के एजेंट ने उनको रोका। हालांकि कई जगहों से खबरें सुबह सुबह ये भी आई, जहाँ पर आपने देखा तस्वीरों में कि कुछ बीजेपी के कस भी घायल हुए हैं। पश्चिमी बिंदापुर के इलाके से खबरें आई, और ये इस वक्त नंदीग्राम में अचानक से पोलिंग के 6 घंटे के बाद ये हलचल तेज हो गई है। जब मुख्यमंत्री का काफिला रेहापारा के उस मकान से जब बाहर निकला, अब उसके बाद अचानक से गाड़ियों का काफिला यहां पर पहुंचता है, और यहां बूथ नंबर सात में जब यहां पर मुख्यमंत्री पहुंची है, इस वक्त यहां पर हलचल तेज है, और उस तरफ तमाम लोग बढ़ रहे हैं, जो लोग हैं आसपास मिल रहे हैं, बोले मुख्यमंत्री इसलिए यहां पर आइए क्योंकि यहां पर शिकायत ये थी कि यहां पर टीएमसी के लोगों को या फिर जो वोट डाले निकले हैं उनको रोका जा रहा है। देखिए प्रत्युष, हम बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, और हमें लग रहा था कि दीदी यूं ही तो नहीं निकलेंगी, लेकिन यहाँ वोट संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बावजूद इसके ये आरोप लग रहे हैं कि हमें वोट करने नहीं दिया जा रहा है, एक तरफा यहाँ पे वोटिंग चल रही है, और वजह यही है कि दीदी पहुंच गई है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, ये जो पोलिंग बूथ है वो ऐसा संकीर्ण रास्ता है, और यहाँ मीडिया का पूरा जमावड़ा है, खुद सेंट्रल फोर्सेज मौजूद है, और दीदी आगे आगे है, सब पीछे पीछे, आखिर क्या झमेला हुआ है, दीदी देखने के लिए पहुंची है। लेकिन जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की खबर आ रही थी, कई जगह बीजेपी के पोलिंग एजेंट को रोका जा रहा था, टीएमसी के पोलिंग एजेंट को रोका जा रहा था, इस बूथ पर इतना झमेला कि खुद दीदी को उतरना पड़ा। ये श्वेता हम लौटेंगे। अगर वहां पर कोई दिक्कत थी तो क्या पहले सुरक्षा बलों को कुछ कहा गया था, पुलिस वालों को इत्तला किया गया था, या सीधे दीदी को ही फोन करके बुला लिया गया? यह भी एक समझने वाली बात है। ब्रेक के उस पार इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। बंक की जंग और हर तस्वीर ब्रेक के उस पार भी मिलती रहेगी।